and very good morning to everyone of you. This is Pankaj Ajite and we are here to discuss the Hindu analysis for 29 July 2023. Okay, we are late by some time because of some shutdown, power shutdown jo hota hai apna, and they don't know ki people are sitting there, people are waiting. So we are starting half an hour late. I'm very sorry for the day, hai na? चलिए, इफ आई एम क्लियरली ऑडिबल टू एवरीवन ऑफ यू, अगर मेरी आवाज अब तक क्लियरली पहुंच रही है, समझ पा रहे हैं, तो वी कैन स्टार्ट आवर डिस्कशन. यस जुबी, वेरी गुड मॉर्निंग बेटे. चलिए, अब दिस बैकग्राउंड यू आर लुकिंग एट इज ऑलवेज, दिस इज टुडेज न्यूज पेपर, ये आज का अखबार है, आज का द हिंदू है, राइट? अब इस अखबार में देखें तो हमारे दो इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर दी हुई, इनफैक्ट थ्री न्यूज आर देयर बेसिकली. अगर हम देखें तो तीन या चार इसको हम बोल सकते हैं, थ्री तो आई हैव टेकन, तीन न्यूज आई हैव इंक्लूडेड. एंड वन यहाँ पर अगर इमेज जो आप देख रहे हैं, दिस इमेज इज रिलेटेड टू टूडेज डे, जो और हर दिन नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एवरी डे बिफोर द बिगिनिंग ऑफ आर डिस्कशन वी आर गोइंग टू लुक एट द डे विच इज बींग सेलिब्रेटेड ऑन दैट डे. मतलब जो दिन उस दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है ना, हम कोशिश करके उसके बारे में डिस्कशन कर लिया करेंगे. तो अगर आज की बात करें तो टुडे इज वर्ल्ड टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे आज मनाया जा रहा है ना. तो टुडे व्हेन वी टॉक अबाउट आज के दिन की बात करें तो टुडे इज 13th वर्ल्ड टाइगर डे, राइट? अगर इसको हम देखें तो आज जो है वो 13th वर्ल्ड टाइगर डे. देखिए, 13th वर्ल्ड टाइगर डे, टाइगर डे की शुरुआत जो हुई थी वो 2010 में हुई थी. 2010 में व्हेन दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन रशिया, सेंट पीटर्सबर्ग, और वहां पर एक कॉन्फ्रेंस में जितने 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं उनके द्वारा शिरकत की गई थी. तो वहां पर इंडिया, रशिया, चाइना, दीज कंट्रीज वर देयर, और उनके द्वारा टाइगर्स की संख्या को दो गुना करने के लिए TX2 ये एक रेजोल्यूशन लाया गया था, राइट? सो इन 2010 दिस डे स्टार्टेड. तो टुडे इज 29th ऑफ जुलाई 2023 इज 13th टाइगर डे, है ना. और अभी हमने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष कंप्लीट किए, प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष कंप्लीट हुए हैं और प्रोजेक्ट टाइगर के भी वो कंप्लीटेड 50 इयर्स हमारे द्वारा भी कंप्लीट किए गए हैं. तो आज का दिन याद रख लीजिएगा, 29th जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड टाइगर डे की तरह इसे सेलिब्रेट किया जाता है. और ये 13वां वर्जन है, 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी. दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर पॉपुलेशन जो है वो हमारे देश में है ना. इंडिया हैज गॉट मोर देन 70% ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड, राइट? 3167 इज द काउंट ऑफ टाइगर्स इन आर नेशन. चले आगे बढ़े. तो व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज न्यूज़पेपर, एज आई टोल्ड यू, दिस इज द फ्रंट पेज. अगर यहाँ पर देखें तो वन न्यूज इज कीपिंग लिटरेचर ऑन वायलेंस नॉट एन एक्ट ऑफ टेरर, एज पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल जो टेरर रिलेटेड, जो वायलेंस रिलेटेड अगर आपके पास लिटरेचर रखा है तो ये प्रूव नहीं करता है कि यू आर इन्वॉल्व इन दिस टेरर एक्टिविटीज. और उस बेस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो अभियुक्त बोला जाए, दो कल्प्रिट बोला जाए, या दो जिन पर ये एलिगेशन लगाया गया था, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी बेल प्रोवाइड की गई. तो एक वो दूसरी न्यूज होती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 6 स्टेट्स टू रिस्पॉन्ड टू प्ली ऑन लिंचिंग, मॉब लिंचिंग वायलेंस जो होता है उस ताल्लुक में एक प्ली सुप्रीम कोर्ट में लाई गई है. उस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा 7 सरकारों को कहा गया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और 6 सरकारों की यहाँ बात की गई है. सो वी स्टार्ट आवर डिस्कशन, हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करें. सो आई वॉज अबाउट टू ब्रिंग द लिस्ट ऑफ दी, बट देन वेन वी टॉक अबाउट, सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज वी आर गोइंग टू डिस्कस. कीपिंग लिटरेचर ऑन वायलेंस इज नॉट अ टेरर एक्ट, है ना. अगर सामान रखा है, कोई लिटरेचर रखा है जो वायलेंस रिलेटेड, टेरर एक्टिविटीज रिलेटेड या टेरर रिलेटेड कोई लिटरेचर है, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि द पर्सन हु इज ओनिंग द लिटरेचर ही इज इन्वॉल्व इन एनी टेरर एक्टिविटीज, वो इन्वॉल्व हो ऐसा नहीं होता है. ये किसने कहा है? इट वॉज टोल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. किस ताल्लुक में? सो देर इज वन वेरी फेमस केस, है ना, अलगार परिषद केस उसको कहा जाता है, भीमा कोरेगांव केस उसको कहा जाता है. अब एल्गार परिषद, भीमा कोरेगांव की जब केस की बात करते हैं तो इट इज, दिस केस इज रिलेटेड टू 2018. अब कई जगह उसको 2017 भी पढ़ेंगे. तो एक्चुअली 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद एक कॉन्क्लेव बुलाया गया था. भीमा कोरेगांव इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र, पुणे, नियर पुणे, और वहां पर एक कॉन्क्लेव बुलाया गया था. और उसमें कई नेताओं द्वारा इसमें शिरकत की गई थी. और उसमें ऐसा हुआ था कि इस कॉन्क्लेव के जस्ट बाद, मतलब ऑन 1st ऑफ जनवरी 2018 को वहां पर वायलेंस हुआ था. तो जो 1st जनवरी होता है, दैट इज द डे, मतलब वो 200वां वर्ष मनाया जा रहा था,
200 ईयर ऑफ भीमा कोरेगांव बैटल, है ना। अब भीमा कोरेगांव बैटल के 200वें वर्ष की जब ये कॉन्क्लेव वहां बुलाया गया तो वहां पर वायलेंस हुआ था। भीमा कोरेगांव बैटल की बात करें, 200वां मनाया जा रहा था, तो इट वॉज 1818 में 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव बैटल हुई थी। तो ये पेशवा और अंग्रेजों के बीच बैटल हुई थी, बट अंग्रेजों की तरफ से दलित सोल्जर्स फॉट इन दिस बैटल एंड दिस दलित सोल्जर्स कुड रेजिस्ट दी दिस पेशवा आर्मी। 800 दलित सोल्जर्स कुड रेजिस्ट दी पेशवा आर्मी ऑफ 28,000 फॉर 12 आवर्स। 12 घंटे तक ये 28,000 पेशवा की सेना को, ये अंग्रेजों की सेना जिसमें दलित सोल्जर्स फाइट कर रहे थे उनके द्वारा उसको रेजिस्ट किया गया था, उसको रोका गया था। और उसके बाद में अंग्रेजों की बड़ी सेना आ गई थी और पेशवा को पीछे जाना पड़ा था। तो दिस बैटल जो होती है ना, इसके रिजल्ट को सेलिब्रेट किया जाता है बाय दलित्स। और उस ताल्लुक में दिस वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा, ये एक स्टार्ट किया गया था कि वहां पर 1927 डॉक्टर अम्बेडकर वेंट टू दैट प्लेस। तो उस जगह पर हर वर्ष इस तरीके से लोग इकट्ठा होते हैं। और उसका जब 200वां एनिवर्सरी थी, 200th एनिवर्सरी थी, तो वहां पर एल्गार परिषद कॉन्क्लेव बुलाया गया था। उस कॉन्क्लेव को बुलाया गया था 31st ऑफ दिसंबर 2017 एंड 1 जनवरी 2018 को वहां पर ये वायलेंस हुआ था। तो जो केस का नाम आप कई जगह पढ़ेंगे तो कई जगह 17 आएगा, 18 आएगा, बिकॉज इट वॉज 31st दिसंबर एंड 1 जनवरी 2018, इसलिए थोड़ा कई बार वो अंतर आता है। बट दिस वायलेंस स्टार्टेड देयर ऑन इन 2018, 1 जनवरी 2018 को, 1 जनवरी 2018 को वो वायलेंस हुआ था। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। फिर उसके बाद में उसमें कार्रवाई की गई थी, इन्वेस्टिगेशन की गई थी। पहले दिस केस वॉज अंडर पुणे पुणे पुलिस के पास में केस था। फिर केस बाद में एनआईए को दे दिया गया था और उनके एनआईए द्वारा कई के अगेंस्ट, कई इंटेलेक्चुअल्स वहाँ लॉयर्स, उनके अगेंस्ट में केस आगे बढ़ाया गया। इनमें अगर रिजल्ट देखा जाए तो कई लोगों को इसमें भी बेल दी गई है, बरी किया गया है। एंड उसी उसी श्रृंखला में देखा जाए तो 2 मोर पीपल जिन पर एलिगेशन था कि दे वर इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटीज, दे प्लान दिस वायलेंस इन ऑल, उस तरीके का, दे आर रिलेटेड टू माओइस्ट इन ऑल, वो एलिगेशन लगाए गए थे। तो उनमें से सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी 2 लोगों को बेल प्रोवाइड की गई है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया है कि इन लोगों के पास में जो लिटरेचर पाया गया है ना, दैट इज लिटरेचर रिलेटेड टू माओइस, लिटरेचर रिलेटेड टू वायलेंस, बट जस्ट हैविंग द लिटरेचर इज नॉट गोइंग टू प्रूव दैट दे आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज। या अगर किसी ऐसी कॉन्क्लेव में हिस्सा लेते हैं, ऐसे कि सेमिनार में हिस्सा इनके द्वारा लिया जाता है जहां पर ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बात की गई, तो या इनका केवल एसोसिएशन जो होता है उससे प्रूव नहीं होता है कि दे आर परपरेटर्स, उससे प्रूव नहीं होता है कि दे आर इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज। एंड ऑलरेडी इट्स बीन 5 ईयर्स सिंस दे वर इन जेल, सो नाउ दे शुड बी, अब उनको बरी किया जाना चाहिए, उनको बेल प्रोवाइड की जानी चाहिए, है ना। तो उस ताल्लुक में ये आप ये न्यूज देखे तो होती है, तो उसमें एक्टिविस्ट ग्रांटेड बेल, विच एक्टिविस्ट, तो 2 एक्टिविस्ट, 2 लोग का नाम लिया गया है, वर्नॉन गोंजाल्वेस एंड अरुण फरेरा। दिस टू पीपल, दिस टू दिस पर्सन्स वर एक्विट, नॉट एक्विटेड बोलना चाहिए इनको, बेल पर रिहा किया गया है ना, ग्रांटेड बेल, एक्विटेड नहीं है, ग्रांटेड बेल, इनको बेल पर रिहा दिया गया है। और इनके द्वारा 5 साल जेल में ऐसे ही व्यतीत किए जा चुके हैं। और बेस क्या बोला गया है कि होल्डिंग वायलेंट लिटरेचर इज नॉट द टेरर एक्ट, ये अपने आप में टेरर एक्टिविटी नहीं है कि इनके पास में अगर लिटरेचर सब पाया गया तो इट डज नॉट, इट इज नॉट प्रूविंग दैट दे वर इन्वॉल्व्ड इन टेरर एक्टिविटीज, है ना। क्लोज क्लैरिफाइड द कोर्ट क्लैरिफाइड दैट सिंपली पजेसिंग लिटरेचर दैट एडवोकेट्स द एक्टिविटीज इज नॉट प्रूफ इनफ दैट दे वर इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटीज, है ना। वॉलेंट और पार्टिसिपेटिंग रिलेटेड सेमिनार्स, है ना, या तो ये लिटरेचर और ऐसे सेमिनार में अगर पार्टिसिपेशन होता है तो ये प्रूव नहीं करता है कि दे आर रिलेटेड टू सीपीआई, माओइस्ट से रिलेटेड इन ऑल, एंड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द टेररिस्ट एक्ट अंडर यूएपीए के अंदर, या टेररिस्ट एक्ट की श्रेणी में नहीं आता है, तो इन्हें और दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता है ना। और एसोसिएशन अब जो बोला गया तो जजमेंट मेंटेन दैट मेयर एसोसिएशन, केवल एसोसिएशन या क्लेम ऑफ एन एसोसिएशन, है ना, विद अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, इस केस में सीपीआई माओइस्ट की बात की गई है, तो विद अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इनफ टू एस्टेब्लिश द ऑफेंस ऑफ मेंबरशिप, मतलब उनसे एसोसिएशन केवल हो, या कि फिर जस्ट देवर पार्टिसिपेट इन सम सेमिनार्स, है ना, ये दे क्लेम देमसेल्व्स टू बी एसोसिएटेड, इट इज नॉट प्रूविंग दैट दे आर इन्वॉल्व्ड इन टेरर एक्टिविटीज या दे आर मेंबर ऑफ टेरर ऑर्गेनाइजेशन। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया है, जो बोला गया है वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, है
है ना। और इसमें ये बोला गया कि एनआईए के पास में ना बेसिक प्राइमा फेसिया प्रूफ होना चाहिए कि दे हैड द इंटेंशन ऑफ गोइंग फॉर सच एक्टिविटीज, जो कि नहीं है, राइट। तो उस ताल्लुक में दीज टू पीपल हैव बीन प्रोवाइडेड बेल। उनको ये बोला गया कि आपको अपने पासपोर्ट सबमिट कर देना है, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, वो कंडीशंस रखी गई है, बट दे हैव बीन गिवन द बेल आफ्टर बीइंग इन द जेल फॉर 5 years। 5 साल बाद इनको जेल में रखने के बाद में अभी बेल प्रोवाइड की गई है। और ये यलगार परिषद वाला केस आई टोल्ड यू, यलगार परिषद वाज अ कॉन्क्लेव जिसको 2017 31 दिसंबर कॉन्क्लेव बुलाई गई थी, 1 जनवरी 2018 को ये वॉयलेंस हुआ था, और वो 200 वर्ष वाला मैंने आपको किस्सा सुना दिया है, दैट वाज 200th ईयर। तो उसे उसे एक दलितों की विक्ट्री जैसा उसको देखा जाता है। तो उस पर जब इस तरीके से कॉन्क्लेव हुआ था तो अनफॉर्चुनेटली इरप्टेड इन द वायलेंस एंड वन पीपल लॉस्ट हिज वन पर्सन लॉस्ट हिज लाइफ। तो वो केस है और ये 5 साल हो चुके हैं उस केस को, 5 साल से कई सारे लोग उसमें कई कई लोगों को बेल दे दी गई है, कुछ अरेस्टेड हैं, उनमें से 2 को यहाँ पर अभी बेल प्रोवाइड की गई है। दिस वॉज द न्यूज रिलेटेड टू द फर्स्ट दिस न्यूज कीपिंग रिलेटेड टू वायलेंस नॉट अ टेररेक्ट एज पर सुप्रीम कोर्ट। दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये सबको क्लियर है, स्पष्ट है एकदम, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। हम अगली न्यूज पर आते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज सेज सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड ऑन अ प्ली ऑन लिंचिंग। लिंचिंग का मतलब होता है व्हेन समबडी इज किसी की हत्या की जाती है ना, मार मार कर किसकी हत्या की जाए, दे आर बीटन टू डेथ, उसको लिंचिंग कहा जाता है ना, दैट इज लिंचिंग। सर इस केस में अगर देखें ना, तो एक तहसीन पुनावाला केस जो था जिसमें 2018 जुलाई 2018 को जजमेंट दिया गया था, तहसीन पुनावाला केस, इसमें ये बोला गया देखिए कि किसी भी व्यक्ति को लॉ को अपने हाथों में लेने का अधिकार नहीं है, नो बडी कैन टेक लॉ इन देयर हैंड। दैट मीन्स क्या होता है कि इन केसेस में व्हेन मतलब लोगों को पकड़ा जाता है, दे आर इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटीज, और उनको वहीं पर इंस्टेंट जस्टिस दे दिया जाता है। इंस्टेंट जस्टिस मतलब पीपल इन्वॉल्व आर फाउंड एंड द मॉब जिनके द्वारा उनको पकड़ा गया, उनके द्वारा ही उन्हें वहीं की वहीं दे आर बीटन टू दैट। एंड अनफॉर्चुनेट ऐसे इंसिडेंट हमारे देश में कई सारे हुए हैं। उस ताल्लुक में गवर्नमेंट द्वारा बोला, कोर्ट द्वारा बोला गया था, जजमेंट हैड डायरेक्टेड स्टेट्स टू फॉर्म स्पेशल टास्क फोर्स टू कलेक्ट इंटेलिजेंस ऑन सच इंसिडेंसेस जिसमें ऐसे भाषण दिए जाते हैं या इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन जो दी जाती है इसमें, जिसके कारण पे मॉब वायलेंस होता है, लिंचिंग होती है। तो कोर्ट द्वारा बोला गया था, मतलब इसमें ये आया था कि नो बडी कैन टेक लॉ इन देयर हैंड, देर शुड बी इन्वेस्टिगेशन इन दिस रिगार्ड, देर शुड बी प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन, दे शुड कलेक्ट द इंटेलिजेंस, मतलब इनके द्वारा जानकारी इकट्ठी की जानी चाहिए, खुफिया जानकारी इकट्ठी की जानी चाहिए, लाइकली इंसिडेंट्स ऑफ हेट स्पीचेस मॉब वायलेंस लिंचिंग इन द डिस्ट्रिक्ट, जजमेंट हैड मेड क्लियरली द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स टू स्टॉप द डिसमिनेशन ऑफ, मतलब ऐसी किसी भी एक्सप्लोजिव इंफॉर्मेशन या कि किसी अफवाह जो होती है उसका प्रचार प्रसार ना हो, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को प्रोविजन किए जाने चाहिए, दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। ये बोला गया था 2017 वाले 18 के इस केस में, बट अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा देखा गया है कि द एक्टिविटीज आर स्टिल देयर एंड उसके अगेंस्ट में केस जो दाखिल किए गए हैं, और ये केस जो है ना वो कई स्टेट्स के एक्टिविटीज द्वारा किए गए हैं कि द जजमेंट इज नॉट बीन डन येट। सो उस ताल्लुक में अब क्या किया गया, उस ताल्लुक में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन सेंट्रल गवर्नमेंट और 6 स्टेट गवर्नमेंट, ये 6 स्टेट गवर्नमेंट के नाम देखें, इट इज महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, इन स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बोला गया कि आपको रिस्पॉन्ड करना, यू नीड टू कम टू कोर्ट एंड यू नीड टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली कि व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन बाय, आपके द्वारा क्या एक्शन ली जा रही है ना। व्हेन अ ग्रुप बीट समवन टू डेथ दैट इज व्हाट, यस, मतलब मॉब वायलेंस एक तरीके से होता है कि मॉब जस्टिस हो जाता है, वो इंस्टेंट जस्टिस मॉब के द्वारा दिया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द लिंचिंग, उसको कहा जाता है। क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट इशूज नोटिस टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और 6 स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या बता दिया, कंटिन्यूइंग विजिलेंट विजिलेंटिज्म डिस्पाइट पास, विजिलेंट मतलब होता है कि व्हेन पीपल देमसेल्व्स आर विजिलेंट, विजिलेंट मतलब जो जागरूक हैं और उनके द्वारा विजिलेंट जस्टिस किया जा रहा है ना, डिस्पाइट दी पास जजमेंट। पास जजमेंट कौन सा, तहसीन पुला वाला केस वाला जजमेंट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर 2018 में जजमेंट आया था, और उसके बाद गवर्नमेंट द्वारा कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था कि गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन इन दिस रिगार्ड, क्लियर, इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम माइनरी कमिटीज, इंसिडेंट्स ऑफ मॉब फ्यूरी एंड परसिस्ट अभी भी हो रहे हैं, प्लीज साइटेड 2018 जजमेंट ऑफ तहसीन पुनावाला विच टर्म लिंचिंग इन मॉब वायलेंस इज क्रीपिंग थ्रेट्स। क्रीपिंग का मतलब होता है स्लोली मूविंग, मतलब जो इट्स क्रीपिंग स्लोली, इट इज दैट द थ्रेट इज बिकमिंग वेरी वेरी डेंजरस, है ना। तो क्रीपिंग थ्रेट अपने आप में तभी बोल दिया गया था कि स्लोली स्टडीली दिस इज बिकमिंग
पार्ट एंड पार्सल एंड शुड बी एलिमिनेटेड, बट इन द जिसको बोला चाहिए निप इन द बर्ड ना, इसको अभी खत्म किया जाना चाहिए ऐसी किसी भी एक्टिविटीज के ताल्लुक में. सो प्लीट ओवर हाई हाई कोर्ट, इसमें बोला गया कि द केस बिलोंग टू वेरियस कोर्ट्स इन हाई कंट्रीज, वेरियस स्टेट्स इन द कंट्रीज. तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये नहीं किया जाना चाहिए कि ये केस लेकर के आप हाई कोर्ट जाइए, जो वहाँ जो जो ये कपिल सिब्बल एडवोकेट है ना, उनके द्वारा कहा गया कि सर आप ये ना कहें कि इन कोर्ट्स को लेकर के वी नीड टू गो टू हाई कोर्ट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, बिकॉज नंबर ऑफ स्टेट्स आर सो मेनी, स्टेट्स कई सारे हैं, तो आपको ही इस पर जस्टिस प्रोवाइड किया जाना चाहिए. वी कांट गो बैक टू रिस्पेक्टिव स्टेट हाई कोर्ट्स, एंड इवन इफ वी गो वी आर द कंपनसेशन वी आर गोइंग टू गेट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ, राइट. सो कपिल सिब्बल द्वारा बोला गया कि अपेयरिंग फॉर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन एनजीओ जो होते हैं उनके द्वारा, मतलब उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उनके द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि विक्टिम शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू गो टू मल्टीपल हाई कोर्ट सिंस द नंबर ऑफ केसेस स्पैन वेरियस स्टेट्स एंड गोइंग बैक एंड स्टार्टिंग देयर इट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ, है ना. इसलिए सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ शुड टेक एक्शन इन दिस रिगार्ड. तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिर समन, मतलब इनको स्टेट्स को बोला गया है, गवर्नमेंट्स को बोला गया है कि दे नीड टू रिस्पॉन्ड टू द पिटीशन, उनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. क्लियर. द कोर्ट एम्स टू रिव्यू द एक्शन टेकन बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू कर्ब द लिंचिंग सिंस द 2018 जजमेंट एंड टास्क फोर्स. द जजमेंट कॉल्ड फॉर क्रिएशन ऑफ स्पेशल टास्क फोर्स टू गैदर इंटेलिजेंस. ये मैंने आपको बता दिया है जो इस जजमेंट के अंतर्गत आया था कि इनको स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट बनाइए, कुछ भी आप करिए बट आप इंफॉर्मेशन गैदर करिए और ऐसी एक्टिविटीज आगे बढ़ ना पाए, है ना. एंड दे ऑलरेडी टोल्ड कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ, टू सेफ गार्ड पीपल फ्रॉम सच सच एक्ट. क्लियर. तो दिस वॉज दी सेकंड न्यूज. तीसरे पर आते हैं. तो इट इज नॉट समथिंग जिसको डिटेल में देखने पढ़ने की आवश्यकता है. इसमें आपको केवल ही बोला गया है कि द न्यू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना इज गोइंग टू बी मिस्टर वैंग ई, है ना, एंड ही प्लेजेस दैट टू डिफेंड द सोवरेंटी ऑफ चाइना, की सोवरेंटी प्लेस बचाने के लिए उन्होंने बात की है. तो ही हैज बिकम द न्यू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना. नाम क्या है इनका, वैंग ई इज द न्यू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना. इसके पहले जो थे वो कुछ समय से पब्लिक, जिसको बोलना चाहिए ना, विजिबिलिटी नहीं है. ही इज नो मोर देयर इन द पब्लिक आई दीज डेज. इनका नाम था किन गैंग. तो किन गैंग इज नो मोर देयर, मतलब उनको एक तरीके से लाइमलाइट से उनको हटा लिया गया है चाइना द्वारा, जो कि हमेशा चाइना में सेलिब्रिटीज के साथ में, प्लेयर्स के साथ में, ना बिजनेसमैन के साथ में वहां पर होता है. तो उनको हटा लिया गया था, उनका डेटा भी उनकी वेबसाइट से हटा लिया गया था. इसको कल वापस तो लगा दिया गया है, बट स्टिल दिस जेंटलमैन इज नॉट नो मोर गोइंग टू बी फॉरन मिनिस्टर. इसके पहले भी ये जो वैंग ई हैं ये फॉरन मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको फिर से कार्यभार दिया गया है ना. सो केवल आपको जो नए फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के उनका नाम ध्यान रखना, और ऐसे भी हमको जनरल याद नहीं करना होता है नॉर्मली, बट बिकॉज दैट हैज बिकम अ इशू, कॉन्ट्रोवर्सी हो चुकी है. पुराने फॉरेन मिनिस्टर जो है अब नहीं दिख रहे हैं, उनकी जगह पुराने फिर से लाए गए, उनको रीअपॉइंट किया गया है. सो दैट वे इट हैज बिकम अ कॉन्ट्रोवर्सी, दैट इज वाई वी नीड टू रिमेंबर. इसलिए हमको याद रखना है. क्लियर. तो दिस वॉज दी, ये सेकंड पॉइंट हुआ. फिर हम आते हैं तो हमारा वे कम डाउन, तो मतलब इसमें बीच में आप देखते देखते हैं तो मोस्टली पॉलिटिकल न्यूज आपको अखबार में यहाँ पर दिख रही है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर कमिंग डाउन टू आर एडिटोरियल पेज. अब मैंने यहाँ पर कुछ हाईलाइट नहीं किया बिकॉज यस्टरडे व्हाट हैपेंड, माय हाईलाइटेड सम पार्ट ऑफ दिस एडिटोरियल एंड दैट वाज नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ सम इश्यू, सम टेक्निकल इश्यू, इट वाज नॉट विजिबल. इनफैक्ट आई गॉट टू नो वेरी लेट that it was not visible to you. So what I've done, I'm not highlighting anything over here. We are going to discuss on the basis of the points which are important points jo uske honge, us basis par hum log yahan par isko discuss karne wale hain. But before I come down to discussion part, I again must ask you, initially I told you, abhi tak jo hai bilkul clarity hai, meri awaaz aap tak pahunch rahi hai, it is clearly audible to you, you got no issue in this regard. Samajh mein aa raha hai clearly, so main aage badh raha hu because three topics, three news we have taken care of. No, King, he didn't die. Tanishq, अभी नहीं उनकी मृत्यु नहीं हुई है, he's still there. वो हैं, बट ये है कि उनको अभी उस पद से हटा लिया गया. इनफैक्ट इस न्यूज को अगर डिटेल में देखते हैं ना, तो यहाँ पर आपको बता भी गया है कि वो है अभी न्यूज में, है ना. अब यहाँ बोला गया, मीन किंग मिस मीटिंग इन जकार्ता बिकॉज ऑफ हेल्थ, बट इट वॉज सब्सिक्वेंटली नॉट रेफर टू हिज हेल्थ, लीडिंग मेनी ऑब्जर्वर्स टू कंक्लूड ही वॉज इन पॉलिटिकल ट्रबल. अब ये जो मिस्टर किन है ना, इज अपीयर्स टू हैव नाउ रिटेन हिज पोजीशन इन स्टेट काउंसिल इन कैबिनेट एज मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी. मतलब इनको एक तरीके से डिमोशन मान के चलिए, तो उनकी मृत्यु नहीं हुई है, ही इज नॉट, ही इज स्टिल देयर, बट ही हैज बीन डिमोटेड. ये अभी भी यहाँ पर देखे तो उनका डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है. क्लियर. और मे बी बिकॉज ये बोला गया ना, करंटली मे बी ऑन द राडार ऑफ द पार्टी इन्वेस्टिगेशन,
बट विदाउट फाइनल डिसीजन येट टू बी मेड फॉर इस फ्यूचर. मतलब ये उनके अगेंस्ट में शायद वहां पर किसी तरीके की कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मे बी सम एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट हिम इज गोइंग ऑन, एंड फॉर दैट रिगार्ड ही इज नॉट कंटिन्यूइंग एज द फॉरन मिनिस्टर, और उनकी जगह वैंग को बना दिया गया. तो ही इज देयर, ही इज वेरी मच देयर, बट ही इज नो मोर द फॉरन मिनिस्टर ऑफ चाइना, है ना. वो रिमोट में ये बोलते रहे यहाँ पर शायद ही इज ऑन द राडार ऑफ पार्टी इन्वेस्टिगेटर्स, जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन होता है उनके पार्टी उनका संविधान एक तरीके से. सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट एनी एलिगेशन अगेंस्ट हिम, और वो एलिगेशन जब तक नहीं होते शायद उनको उस समय तक के लिए पद से हटाया गया है. इनका तो इवन डेटा भी देखिए, यहाँ देखिए ना, तो पहले इनका डेटा जो वेबसाइट इनकी होती है ना वहां से एवरीथिंग वॉज एलिमिनेटेड रिगार्डिंग दिस रिगार्डिंग हिम, बट इट इज बिन अभी उसको रीस्टेट कर दिया गया एंड ही इज डिमोटेड इन अ वे. डिटेल इज बिन प्रोवाइडेड, यहाँ पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना, स्पष्ट है. देन हम आते हैं हमारे एडिटोरियल पार्ट पर. फर्स्ट जो है वो है नीडलेस मूव. अगर याद हो, और ये अच्छी बात है कि डेली बेसिस पे मैंने गो थ्रू न्यूज पेपर, जो आप फ्रंट पेज पर न्यूज पढ़ रहे होते हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज हम देख रहे होते हैं, अल्टीमेटली दैट मेक इट मेक्स, मतलब वो अपना जो जिसको बोलना चाहिए ना वो अपियर होता है कुछ दिनों बाद में भी नेक्स्ट डे ऑन द एडिटोरियल. तो हमने कल ही पढ़ा था कि जो ईडी के चीफ हैं, है ना, उनको गवर्नमेंट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 सितंबर तक कंटिन्यू कर दिया गया. मिस्टर संजय कुमार मिश्रा जो हैं, ही इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल 15 सितंबर, बिकॉज गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया था कि ही इज इंपॉर्टेंट पर्सन बिकॉज ऑफ सम एक्टिविटीज, एफएटीएफ के जो रिव्यू चलने वाला, इसलिए इनको 15 अक्टूबर तक दिया जाए. बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है टिल ओनली 15 सितंबर, बस उसके बाद मत आइएगा, राइट. सो उस ताल्लुक में दिस वॉज द फ्रंट पेज न्यूज यस्टरडे, वी डिड डिस्कस इट एंड दैट इज गॉट मेड इट्स वे टू एडिटोरियल नाउ. तो यहां पर उसी में बोला गया, इसमें बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला दिया गया जिनमें उनके उनके टेनर को आगे बढ़ाया गया है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट, उसमें ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इज गिविंग टू मच प्रेफरेंस टू गवर्नमेंट रिक्वेस्ट दीस डेज, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज इट इज अंडरमाइनिंग इट्स ओन अथॉरिटी, है ना. तो बाय अलाउइंग ईडी चीफ्स कंटिन्यूएंस, दिस एससी इज अंडरमाइंड इट्स ओन अथॉरिटी. अब जब हम लोग वर्ड देखें तो अंडरमाइन एंड दिस वर्ड हम बात करें तो अंडरमाइन का मतलब होता है टू डैमेज और वीकन, स्पेशली ग्रेजुअली और इंसिडियसली, धीरे धीरे करके जो वीक करने की जो तरीका होता है उसको अंडरमाइन बोलते हैं, या कि वीकन, इम्पेयर, डिमिनिशिंग, राइट, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं. एंटोनिम्स में देखें तो सपोर्ट, स्ट्रेंथन, बोल्स्टर, है ना, एंकरेज, ये इसके एंटोनिम में आते हैं. वैसे ही आगे एक वर्ड है डेफर. डेफर मतलब होता है टू बढ़ा दिया जाना, लेटर, है ना. सो टू पुट ऑफ, टू लेटर टाइम, पोस्टपोन करना, पोस्टपोनिंग इज द परफेक्ट मीनिंग ऑफ डेफर कर दिया गया, डिले कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, पुट ऑफ कर दिया गया. और उसका विरुद्धार्थी होता है कि इट इज एक्सपेडाइट. एक्सपेडाइट मतलब होता है एक्सपेडाइट द प्रोसेस, मतलब कैटलाइज द प्रोसेस, उसको जल्दी किया जाए, हैसन द प्रोसेस, एडवांस इट. तो दैट इज डेफर एंड अंडरमाइंड, ये जो दो वर्ड. तीसरा होता है अकोमोडेटिव. मुझे लगता है कि अकोमोडेशन मतलब व्हेन यू प्रोवाइड, गिव समबडी सम स्पेस, है ना, जो उनको स्पेस दे दी जाए. सो दैट इज लाइक, तो विलिंग टू फिट और एक्सेप्ट समबडीज विशेस और नीड्स, दैट इज ऑल्सो अकोमोडेटिव, राइट. सो हेल्पफुल, कोऑपरेटिव, ओब्लाइजिंग इज अकोमोडेटिव. इंडिस्पेंसिबल बार बार यूज होता है वर्ड, स्पेसिफिकली इन रिगार्ड टू द पोजिशन ऑफ ईडी, जो यहाँ पर मिस्टर एस के मिश्रा की हम बात करें तो इनकी पोजिशन को ऐसा इंडिस्पेंसिबल पोजिशन माना जाता है. इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है जिसके बिना नहीं कुछ किया जा सकता है, मतलब उनका होना वहां पर बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है, है ना. इस somebody's position, मतलब somebody so so indispensable मतलब होता है कि वह किसी पोजिशन पर बैठे हैं तो इतने ज्यादा जरूरी उनका वहां पर होना कि उनके बिना शायद काम ना चलाया जा सके. So he has become indispensable, right? So that is absolutely necessary or essential, yeah, crucial, vital, all this is synonym of indispensable. Or iska unnecessary, redundant, non-essential, unimportant is the antonym. So ye char yahan par hote hain. These are the four words. Or bhi honge, to we are anyway going to take care of that, right? Then we come to the actual discussion. में आप देखें तो यहाँ अगर आप पूरे न्यूज को इतना से पढ़ें तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इजी आर्टिकल. रीजन इजी क्यों होता है, क्योंकि हमको इसका बैकग्राउंड अच्छे से मालूम है, राइट, बिकॉज वी नो द बैकग्राउंड ऑफ इट. तो दैट इज वाई इट इज इजी वन. इसको हम लोग पॉइंट दर पॉइंट देखें तो सुप्रीम कोर्ट एक्यूज ऑफ एक्सेसिव डेफरल टू गवर्नमेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा गवर्नमेंट की बात कुछ ज्यादा ही मानी जा रही है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है. स्पष्ट. इसमें एक केस याद होता तो देर वॉज सम इन वन केस सम जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट जो थे उनका अपॉइंटमेंट भी गवर्नमेंट द्वारा आगे नहीं बढ़ाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा फिर रिप्लेसमेंट दे दिया गया था उस केस में.
सो उस ताल्लुक में भी वहां पे यही कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट इज लिसनिंग टू मच टू टू गवर्नमेंट, और यहाँ पर भी उसी चीज को आगे बढ़ाया गया है कि एससी इज परसीव टू बी एक्सेसिवली डेफर टू गवर्नमेंट विशेष, मतलब गवर्नमेंट की विशेष को एससी द्वारा बहुत ज्यादा ही माना जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है अभी वाला केस टू अलाउ संजय कुमार मिश्रा, मिस्टर एस के मिश्रा, हेड ऑफ द ईडी, टू स्टे इन इस पोजिशन टिल 15th of September, जबकि भाई गवर्नमेंट ने कहा था कि 15 अक्टूबर तक रहना है। इन गवर्नमेंट के द्वारा रिक्वेस्ट 15 अक्टूबर तक की गई थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने केवल 15 सितंबर तक की मांग की है और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इनको आगे हम नहीं एक्सटेंड करने वाले हैं, आप रिक्वेस्ट लेटर के ही बताइएगा। मतलब वो स्टर्नली उनको रिप्लाई दिया गया और उसका रीजन वो एफिडेविट का रिव्यू दिया गया था। बट इस केस में ऑथर कहता है कि एफिडेविट का रिव्यू जो है ना वो अपने आप में एक बहाना दिया गया है, राइट? सो रिवर्सल ऑफ द प्रायर स्टांस में बोला गया, भाई जुलाई 11 को आपने कहा कि इनको पहली एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जा चुके हैं, इनका एक्सटेंशन अब नहीं आगे बढ़ाया जाएगा, 31 जुलाई इज द लास्ट डेट, 31 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर दिस। तो आपने कुछ समय पहले ही कहा है और आपने बाद में जाकर इसको फिर एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दिया, सो दैट इज नॉट समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ऐसा ऑथर कह रहा है। ऑथर इज क्रिटिसाइजिंग बेसिकली दिस कंप्लीट एक्सटेंशन, है ना बेटा? इसको 15 सितंबर तक के लिए किया गया, 15 सितंबर तक का एक्सटेंशन दिया गया है, 15 सितंबर तक। गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि 15 अक्टूबर हो, बट रिक्वेस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया कि नहीं, हम लोग आपको केवल 15 सितंबर तक का समय दे रहे हैं, है ना? और गवर्नमेंट द्वारा यही बोला गया, आस्था यू आर वेरी मच राइट, कि उनका प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड बिकॉज एफिडेविट का रिव्यू हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ही इज एट द हेलम ऑफ अफेयर्स, है ना? वो वहां पर हैं, तो वो अगर हैं तो थिंग्स आर गोइंग टू बी इजियर फॉर अस, एंड इनेविटेबली ही इज बीन देयर फॉर लास्ट 5 ईयर्स। अब 5 साल से वहां पर रहे हैं तो इनको जितनी जानकारी है उस ताल्लुक में, इट इज गोइंग टू बी क्रूशियल दैट हिज प्रेजेंस शुड बी मेंटेन। तो गवर्नमेंट टोल्ड की 15th अक्टूबर, सुप्रीम कोर्ट टोल्ड ओनली टिल 15 सितंबर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बहुत रिलक्टेंटली मान के चलिए ये बोला गया था, बट देन ऑथर इज सेइंग नो, सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक्सटेंशन दिया तो अपने आप में दिस इज नॉट समथिंग एक्सपेक्टेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये अपने आप में सही नहीं किया गया। नीडलेस मूव, मतलब स्पष्ट शब्दों में इसको नीडलेस बोल दिया गया कि ना ना ये रिक्वायर्ड ही नहीं था, ये अनावश्यक स्टेप ली गई है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है? तो गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन था, गवर्नमेंट ने बोला कि इन सर्विसेज आर इंडिस्पेंसिबल, ही इज लीडिंग एफर्ट्स टू डेमोंस्ट्रेट इंडिया काउंटर मेजर्स अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग। एफएटीएफ हमने कल शायद कल यस्टरडे ओनली जीके पी एस हमने एफएटीएफ डिस्कस किया हुआ है। एफएटीएफ जो है 1989 में आया, उसमें बाद में पहले मनी लॉन्ड्रिंग से शुरुआत होती थी, उसके बाद में इसमें टेरर फंडिंग को जोड़ दिया गया, उसके बाद में इसमें जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन वाला पार्ट होता है, बायोलॉजिकल वेपन्स वाला होता है, उन सबको जोड़ दिया गया। तो उसका रिव्यू होता है और रिव्यू में देखा जाता है कि गवर्नमेंट जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा एक्शन ली जा रही है कि नहीं ली जा रही है, एंड व्हाट एक्शन दे आर टेकिंग, और अगर एक्शन सही नहीं लगती है तो ग्रे लिस्ट में भी डाल सकते हैं। इसलिए रिव्यू अपने आप में बड़ा क्रूशल रिव्यू होता है, इट इज नॉट जस्ट अ सिंपल रिव्यू, इट इज वेरी यू नीड टू प्रूव यू आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग, यू आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट टेरर फंडिंग, यू आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दिस न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। सो उस ताल्लुक में इंपॉर्टेंट रिव्यू। गवर्नमेंट ने बोला कि कई सारे ऐसे देश हैं जो हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमें लिस्ट में डाल दिया जाए, दे वॉन्ट एम्बरेसमेंट फॉर इंडिया बेसिकली। तो इन गवर्नमेंट द्वारा वो एक वही बोला गया कि हिज प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिव्यू, एंड दैट इज वाई वी आर रिक्वेस्टिंग, गिवन दैट इंडियाज ऑनगोइंग एफेक्टिव रिव्यू लास्ट अंटिल जून 2024, गवर्नमेंट इनिशियली सॉट टू एक्सटेंड सर्विसेज टिल अक्टूबर 15। मतलब रिव्यू तो जून 2024 तक चलेगा, गवर्नमेंट ने केवल 15 अक्टूबर तक कहा और सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर एक्सेप्ट किया है। बट इस पे ऑथर इज वेरी फ्यूरियस, ऑथर इज सेइंग ना ये भी गलत है अपने आप में, ये भी नहीं होना चाहिए था, है ना? एंड क्वेश्चन अबाउट द इंडिविजुअल डिपेंडेंसी, अब ऑथर क्या बोलता है कि किसी एक व्यक्ति पर आप इतने निर्भर हैं कि उनका ना होना अपने आप में इतना बड़ा विध्वंस क्रिएट कर लेगा, उनका ना होना हमारी रेटिंग खराब कर देगा, उनका ना होना हमारे लिए डेट्रीमेंटल हो जाएगा। तो डिस्पाइट ईडी की रोल इन प्रिपेयरिंग द एफएटीएफ, डाउट्स आर रेज्ड अबाउट द प्रोसेस बीइंग डिपेंडेंट ऑन द सिंगल पर्सन, किसी एक व्यक्ति पर निर्भरता अपने आप में इतनी सही नहीं है। और फिर इनके द्वारा बोला गया कि इफ ही इज इन्वॉल्व इन एफएटीएफ रिलेटेड एक्टिविटीज, तो उनका जो सक्सेसर है वो आ जाए, वो ईडी की कार्रवाई जो है बाकी कार्यभार जो ईडी का होता है उसे वो ग्रहण कर लें, और मिस्टर मिश्रा जो है वो एफएटीएफ से रिलेटेड एक्टिविटीज में काम कर लें। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बट यू आर सेइंग कि ही शुड कंटिन्यू एज द हेड ऑफ द ईडी, दैट इज समथिंग विच इज अनपैलेटेबल। मतलब वो अपने आप में पचा पाना मुश्किल होगा उसको, उसको समझ में नहीं आता है कि वाई यू आर डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन सो मच, एक ही व्यक्ति पर इतनी निर्भरता क्यों है।
वह क्रिटिक द्वारा कहा जा रहा है, वह ऑथर द्वारा कहा जा रहा है कि आप एक पर इतने निर्भर कैसे हो सकते हैं, व्हाई यू आर डिपेंडेंट ऑन सेम पर्सन सो मच, राइट। अब इसमें फिर लास्ट में ऑथर ने वही कंक्लूड वही किया जो बिगनिंग में जो टाइटल दिया गया है ना, कि बाय अलाउइंग मिश्रास एक्सटेंशन डिस्पाइट डिक्लेयरिंग प्रायर रिजर्वेशंस अबाउट इट, है ना, बाय सुप्रीम कोर्ट द कोर्ट अंडरमाइंस इट्स रिजॉल्व टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट इलेक्शन। देखिए सुप्रीम कोर्ट बोल मतलब सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य होता है, उनका बोला जाता है कि गवर्नमेंट द्वारा कोई भी एक्शन ली जाए, है ना, और वो अनअकाउंटेबल एक्शन हो या कोई ऐसी एक्शन हो जो सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट, है ना, अंडरमाइन द रिजॉल्व टू होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इट, फॉर इट्स एक्शन, रेजिंग कंसर्न अबाउट द क्रेडिबिलिटी एंड ऑथोरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। खुद की ऑथोरिटी क्रेडिबिलिटी जो जो रिजॉल्व है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो देयर दे हैव क्रिटिसाइज द एक्सटेंशन ऑफ ईडी चीफ टिल 15th of September। अब ये टॉपिक अपने आप में क्लियर है, आई एम नॉट सेइंग इट इज नीडलेस। सी जो ऑथर कह रहा है ना बेटा, मैं उस पर कह रहा हूं, आई एम सेइंग व्हाट ऑथर इज सेइंग। ऑथर इज सेइंग कि ये एक बहाने की तरह दिया गया है, इट इज जस्ट 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 एन एक्सक्यूज गिवन। इफ ही इज सो सो इंपॉर्टेंट तो लेट हिम टेक केयर ऑफ एफटीएफ पार्ट, बट लेट समबडी एल्स कम एंड टेक केयर ऑफ द अदर एक्टिविटीज। सो अब उस क्रूशल इशू है ना अपने आप में, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ओके भी किया। देखिए वो इंपॉर्टेंट है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ओके भी किया उसको। एफएटीएफ इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो इट इज इंपॉर्टेंट, रेटिंग मायने रखती है, जो भी उसमें अगर गलती से भी ग्रे उसमें चले गए तो फिर से आने के लिए बड़ी फाइट करनी पड़ेगी, दैट इज वाई। एंड देन पाकिस्तान चाइना नेशंस वी आर ब्लेस्ड विद दीज नेबर्स यू नो, सो दे आर तो ऑलवेज अगेंस्ट अस, दे वांट अस टू गेट इनटू दिस मैच बेसिकली। तो गवर्नमेंट द्वारा रिक्वेस्ट की गई और उनके द्वारा एक्सेप्ट की गई, बट दैट इज मतलब आर ऑथर इज नॉट हैप्पी विद इट, आर एडिटर इज नॉट हैप्पी विद इट, एडिटर बोलना चाहिए मुझे, एडिटर इज नॉट हैप्पी विद इट, दैट इज व्हाई द आर्टिकल इज रिटन। उसी को मैंने यहां समझाया हुआ है, देखिए माय जॉब इज टू टेल यू व्हाट हैज बीन रिटन ओवर हियर, उसको समझाना मेरा जॉब है, इट्स नॉट माय पर्सनल ओपिनियन। एनीवे फिर आगे हम आते हैं तो मरकरी राइजिंग। अब इसमें क्या बोला गया, मरकरी राइजिंग का मतलब होता है टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, है ना, टेम्परेचर जो है जुलाई महीना जो है जुलाई 2023, अलग अलग जगह पर आपको शायद अलग अलग डेटा मिलेगा, बट जुलाई 2023 12,000 वर्षों में सबसे हॉटेस्ट महीना रहा है। एक दो जगह तो ये 12,000 की जगह 1,20,000 वर्ष भी कहा गया है, राइट। आई वेंट टू वन ऑफ दिस वेबसाइट, देयर इट वाज टोल्ड दैट सम साइंटिफिक समथिंग वेबसाइट वाज नेम, आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ, बट देयर इट वाज टोल्ड 1,20,000 ईयर्स में जुलाई 2023 हैज बीन द ईयर विद हाईएस्ट टेम्परेचर, वार्मेस्ट मंथ, सबसे ज्यादा वार्म मंथ ये रहा है, स्पष्ट। तो और ये किसने कहा है, यूएन सेक्रेटरी जनरल हाईलाइट्स द क्लाइमेट क्राइसिस, तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरस, है ना, और एंटोनियो गुतेरस जो है ये पुर्तगाल को बिलोंग करते हैं, इज अ पोर्टुगीज, और ये अपने सेकंड टर्म है सेक्रेटरी जनरल, मतलब एक टर्म इनका कंप्लीट हो चुका है एंड ही इज गोइंग थ्रू हिज सेकंड टर्म है सेक्रेटरी जनरल। तो उनके द्वारा बोला गया कि अर्थ इज मूव्ड फ्रॉम वार्मिंग फेज इनटू एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग, मतलब ये बॉइलिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एरा मतलब क्या होता है, एक पीरियड होता है, तो एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग वी आर एंटरिंग बिकॉज जुलाई 2023 इज लाइकली टू शटर ऑल द ओल्ड रिकॉर्ड, बिकॉज आर एवरेज टेम्परेचर जुलाई 2023 का वो 16.95 रहा है ना, जो कि जुलाई 2019 टेम्परेचर से 0.2 पर डिग्री में वृद्धि हो चुकी है। तो जो हम ग्लोबल जिसको वार्मिंग जो क्लाइमेट एक्शन की हम बात करते हैं, ये हवा में नहीं की जा रही, इट इज गॉड बेसिस, इट इज इंपॉर्टेंट, और ये इन सारे से क्लियर भी होता है। और यही रीजन है वेन बी सी जब हम लोग देखते हैं ना कि जो जो प्रॉपर समय पर जो जो क्लाइमेट चेंज मतलब इस तरीके से वेदर एक्टिविटीज होनी चाहिए वो ना होकर के हम देखते हैं कहीं पर यू नो बरसात ज्यादा हो रही है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, ना मतलब देर आर फ्लड समवेयर एट सम प्लेसेस, देर इज नो रेन एट अदर प्लेसेस, टेम्परेचर इज राइजिंग, एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन जो हम ले देख रहे हैं ना, उसका रीजन जो है ह्यूमन बिहेवियर विद द एटमोस्फेयर विद द एनवायरमेंट, एंड दैट इज द रीजन। तो ये बोला गया है कि 12,000 वर्षों में जुलाई 2023 जिसका टेम्परेचर 16.95 रहा, वो सबसे ज्यादा बड़ा मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर अभी माना जा रहा है। कई जगह पर मैंने कहा कि 1,20,000 भी बोला गया, बट जो भी हो इट इज वार्मेस्ट ऑफ ऑल, अभी तक का सबसे ज्यादा टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ मंथ जो होता है ना ओवरऑल दुनिया भर का एवरेज टेम्परेचर, और मंथ के हिसाब से एवरेज टेम्परेचर हम देखते हैं, मतलब क्या होता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर है, राइट। सो इन अलग अलग जगह पर इवन एट द लैंड इवन इन द ओशन फ्रॉम द सैटेलाइट फ्रॉम एवरीवेयर द डेटा इज कलेक्टेड, एंड उस डेटा को एक दिन और पूरे महीने के एवरेज के ताल्लुक में मतलब जितना भी प्रोराटा के हिसाब से इतने दिन गुजरे हैं उसके हिसाब से एवरेज जब लिया गया तो 16.95 डिग्री सेंटीग्रेड,
आपको ये कम लग रहा होगा बट ये बढ़ोतरी है बहुत ज्यादा, और ये वार्मेस्ट अब तक का, क्योंकि 2019 में जो था वो 16.93, तो दैट इज इंक्रीज टू 16.95। है क्लियर? इतनी बढ़ोतरी यहां पर देखी जा रही है, राइट? सो राइज, अब इसमें देखिए इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज विजिबल वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ पर ना एग्जाम्पल भी दिया जा रहा है, अब ये देखेंगे ना तो देयर हैव बीन सो मेनी एग्जाम्पल्स यहाँ पर बताए गए कि क्या क्या यहाँ पर घटा है, क्या रीजन यहाँ पे अलिनो लालिना जो है ना वो सब यहाँ पर बताया गया। तो ये आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि दीज आर द रीजन जो हम लोग देख रहे हैं ना कि अब ये टेम्परेचर कोई रुकने वाला नहीं, शायद ये और आगे बढ़ भी सकता है, राइट? तो राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर हैव लेड टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अक्रॉस द ग्लोब विच वी आर एनी वे हम लोग देख भी रहे हैं अभी, उसके यहाँ एग्जाम्पल भी उन्होंने कई सारे दिए हुए थे। इसमें टेम्परेचर राइजिंग टू 52 डिग्री सेंटीग्रेड इन नॉर्थ वेस्ट चाइना, चाइना में 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया नॉर्थ वेस्ट चाइना में। ग्रीस में देर आर वाइल्ड फायर्स, वाइल्ड फायर्स का मतलब होता है जंगल में जब आग लग जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो चुका होता है। सीवियर हीट वेव्स इन हीट इन यूएस है ना, टॉरेंशियल रेनफॉल क्लॉजिंग फ्लड्स एंड डिवास्टेशन इन आर नेशन। हम लोग इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर जिसको होना चाहिए, रेनफॉल वगैरह जो हुआ है ना, जो फ्लड कंडीशन तो देख रहे हैं। सो ऑल दीज एक्सट्रीम कंडीशंस आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ आर एक्टिविटीज ओनली, वी नीड टू टेक केयर ऑफ। और आगे क्या बोला गया, कॉल फॉर अ ड्रामेटिक इमीडिएट क्लाइमेट एक्शन, मतलब इसको एकदम बहुत बड़ी आपदा ना, विश्व आपदा की तरह देख करके इस पर अगर एक्शन लिया जाए तो वी कैन कंट्रोल, स्टिल इट इज अंडर आर एम्बिट ओनली, है ना? तो मिस्टर गुटेरस एंड सुल्तान अहमद जाबेर जो कि COP28 के अध्यक्ष होने वाले हैं, COP28 जो दुबई में होने वाली है, COP दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज द्वारा जिसको हर साल एक मीटिंग कराई जाती है, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। COP जो दुबई में होने वाली है उसके जो अध्यक्ष हैं है ना, जो उसके हेड है वो है सुल्तान अहमद जाबेर, दी COP28 प्रेसिडेंट डेजिग्नेट एम्फेसाइज द नीड फॉर ड्रामेटिक इमीजिएट है ना दिस नीड ऑफ एक्शन सो दैट टेम्परेचर राइज है उसको 1.5 डिग्री तक रोक लिया जाए, मिटिगेट मतलब उसको कम करके इसमें कंट्रोल करके रख लिया जाए, तो मिटिगेट द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। एंड ही ऑल्सो स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स लाइक इंडिया टेकिंग मोर एम्बिशियस स्टांस ऑन एमिशन करता, तो वो सबकी जिम्मेदारी उनमें इंडिया के एम्बिशन स्टांस के भी बारे में उनके द्वारा बोला गया। फिर लास्ट में जो हमारे एडिटर हैं उनके द्वारा ये बोला गया कि अगर ये हम इमीडिएट क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं, जिस तरीके से वार्मिंग हम देख रहे हैं उसके इम्पैक्ट की हम बात करते हैं, और ये जो है ये सारे देशों का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ एवरी नेशन इन द वर्ल्ड, उस पर हमारा दायित्व तो बढ़ जाता है। क्योंकि मिस्टर मोदी, देखिए अगर एडिटर में कहीं ना कहीं मिस्टर मोदी का नाम ना लिया जाए ना, तो फिर वो एडिटर वो जो एडिटोरियल है ना थोड़ा सा अधूरा सा लगता है। तो दे समथिंग रिलेटेड टू गवर्नमेंट, समवेयर वी नीड टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट और गेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व इन दिस, राइट? दिस इज द मतलब दिस इज द इनेविटेबल पार्ट ऑफ, इंडिस्पेंसिबल बोलते हैं ना, पार्ट ऑफ आर एडिटोरियल। तो उसमें फिर लेकर के आए हैं मिस्टर मोदी को, ये बोल रहे हैं पीएम मोदी एम्स टू मेक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। अभी पीएम मोदी ने कहा था कि अगर तीसरा कार्यकाल मिलेगा तो हम तीसरे कार्यकाल में भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना देंगे, है ना? सो फिर वो बोलते हैं कि अगर हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो हमारे पर प्रेशर होगा, राइट? इट इज गोइंग टू बी मतलब इंडिया इज गोइंग टू बी अंडर प्रेशर, वी आर गोइंग फॉर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो एट द सेम टाइम वी नीड टू कंपनसेट अकॉर्डिंगली। तो बोला गया एम्स टू मेक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, द कंट्री फेसेस इंक्रीज प्रेशर टू अंडरटेक द ग्रेटर शेयर ऑफ ग्रीन हाउस मिटिगेशन टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना, फिर हमारे पर और दायित्व तो बढ़ेगा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, और हमें जो हमारा 2070 टारगेट है ना जीरो इमिशन का, उसको 2050 करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा ओनली अडल टेल इन डिटेल में भी लेटर, बट ये कह रहे हैं कि इफ वी आर गोइंग टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दिस कुड मीन एडवांसिंग आर नेट जीरो कमिटमेंट फ्रॉम 2070 टू 2050, मतलब हमारे नेट जीरो जो 2017 में बोला गया है ना उसको हमको 2050 करना पड़ेगा, ये इनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। एंड जनरेटिंग फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी बाय फॉसिल फ्यूल फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाय 2040, तो इसमें हमारा दायित्व जो होगा वो बढ़ जाएगा। एंड सिंपली इस एक्टर को हम लोग एक्टर को प्रॉपरली कहें तो इसमें ऑर्थर द्वारा बोला जा रहा है कि वी नीड टू टेक इमीडिएट एक्शन सो दैट वी कैन मिटिगेट दिस डिजास्टर विच इज हैपनिंग टू कम, जो कि हम देख रहे हैं कि अभी 6.95 जो पहुंचा है, वन ऑफ द हाईएस्ट इनफैक्ट हाईएस्ट टेम्परेचर इन लास्ट 12,000 ईयर, राइट? इसके बाद में आते हैं जो हमारा थर्ड ओपिनियन पीस, इसको जो कहा जाता है, दो तो एडिटोरियल हमने देख लिए, थर्ड इज द ओपिनियन पीस। ओपिनियन पीस टॉक्स अबाउट द 16th फाइनेंस कमीशन। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले ना हम लोगों ने 16th फाइनेंस कमीशन के बारे में डिस्कशन कर लिया था कि 15th कमीशन मिस्टर एनके सिंह वाज द हेड ऑफ 15th कमीशन, एंड नया जो 16th कमीशन जो है वह नवंबर में गवर्नमेंट द्वारा लाया जाएगा, मतलब दिस कमीशन विल बी गवर्नमेंट द्वारा सेट किया जाएगा, राइट?
और इस कमीशन का जो दायित्व होगा वो 2025 से लेकर, चलो 2026 से 31 के बीच, मतलब 25-26 वाला फाइनेंशियल ईयर से लेकर के 30-31 तक के फाइनेंशियल ईयर के लिए इसको लाया जाएगा। है क्लियर? मतलब 5 साल का इसका टेम्पो जो ड्यूरेशन जो होता है, जहां पर फाइनेंस कमीशन लाने के बाद में उनके द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है, और रिकमेंडेशन जो होती है, इस रिकमेंडेशन के आधार पर जो टैक्स होता है उसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बांटा जाता है। तो दे प्रोवाइड द रिकमेंडेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां ये बोला जा रहा है कि द चार्टिंग द पाथ, मतलब प्लानिंग द पाथ फॉर 16th फाइनेंस कमीशन। इसमें हम लोग वर्ड्स पर आकर देखें तो कुछ वर्ड जो यूज किए गए हैं पहले उन पर बात करते हैं, फिर विल डिस्कस द मैटर। बेटा नॉर्मली जो न्यूज आपको MIA में दी जाती है ना, इफ यू आर एन एनी स्टूडेंट तो यू गेट MIA एवरी डे, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे। तो उसमें जो न्यूज दी जाती है, अंडरलाइन जो की जो आपको कंपाइलेशन मिलता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, पहले तो हम लोग उसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। दूसरा, इफ यू आर कंफ्यूज, सो लेट से जो भी आपको फर्स्ट लुक में दिखता है कि दिस इंपॉर्टेंट, वी शुड रीड रीड इट, एंड एनीथिंग विच गिव्स यू कंफ्यूजन, बिवेंडरमेंट जिसको क्या बोलते हैं, कि यू आर लाइक कंफ्यूज परप्लेक्स की भाई क्या करना है, तो उनको आप एनालिसिस के बाद में जो जो भी डिस्कशन हुआ है एनालिसिस में, जो न्यूज डिस्कस हुई, एटलीस्ट उनको बाद में जाकर पढ़ लें। तो जो आपको फर्स्ट लुक में लगता है कि नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, गो फॉर इट, और जो वेरी वेरी आर कंफ्यूज, वेट फॉर सम नो सजेशन यहाँ दिए जाते हैं कि दीज मेनी आर्टिकल्स नीड टू रीड, उनको पढ़ लीजिए, वो आपकी मदद वहां पर हो जाएगी। हे स्पष्ट एकदम, सो दैट वे यू डू। और MIA अगर आपको मिल रहा है तो वेल एंड गुड, उसमें जो दो दिया है सारा के सारा आपके काम का है, वो तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, स्पष्ट है। फिर हम लोग अगर वर्ड्स पर देखें तो चार्टिंग का मतलब होता है टू प्लान अ शेड्यूल, प्लान अ जो भी बोलते हैं हम लोग, प्लानिंग इसको करते हैं, टू प्लान द कोर्स ऑफ एक्शन, प्लॉटिंग और मैपिंग आउट और लेइंग आउट समथिंग, है ना। स्क्रूटनी का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, स्क्रूटनी का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से, प्रोब जो हम बोलते हैं ना, तो इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोब, दैट इज ऑल स्क्रूटिनी उसको कहा जाता है। बॉयंसी इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू कीप अफ्लोटिंग, मतलब जो बॉडी होती है ना, वो केवल अगर तैर पाए किसी पानी, किसी सतह पर, लिक्विड की सतह, पानी की सतह पर, तो उसको बॉयंट कहा जाता है। तो एबिलिटी और टेंडेंसी टू फ्लोट इन अ वाटर और एयर इन विद और सम फ्लोट, दैट इज कॉल्ड द बॉयंसी। तो इस केस में जब बॉयंसी की बात करते हैं तो एबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेबल लेवल, एक बराबर लेवल जो मेंटेन किया जाता है, यहाँ पर वो GST के लिए बोला जा रहा है कि GST जो है हमारे यहाँ इनिशियल ट्रबल GST में रहे थे, बट GST में अब जो कलेक्शन हो रहा है ना, दैट इज अचीव द बायंसी, वो बायंसी अचीव कर चुका है, मतलब वो स्टेबल GST वी आर एबल टू कलेक्ट नाउ, तो दैट इज बीन टोल्ड ओवर हियर। फिर बायंसी की बात करें तो रेजिलियंस जो होता है ना, वो होता है एबिलिटी टू बाउंस बैक, बेसिकली रेजिलियंस कहा जाता है, ठीक है यहाँ पर बोले तो फ्लोटेबिलिटी, लाइटनेस भी यही होता है। प्लोरिफ्लेशन मतलब होता है रैपिड इंक्रीज इन नंबर, ये लाइफ से बड़ा हुआ है, देखो प्रो लाइफ मतलब आगे बढ़ाना, तो रैपिड इंक्रीज इन दी नंबर इज प्रोलिफरेशन, है ना। और नॉन प्रोलिफरेशन मतलब जो उसको रोका जाए, जैसे न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफरेशन, मतलब न्यूक्लियर जो वेपन से उनकी संख्या ना बढ़ाई जाए, और प्लोरिफरेशन मतलब बढ़ाई जाए वाला होता है। तो रोकने, प्रोलिफरेशन रोकने के लिए जो हमारा वो FATF में तीसरे वाली जो बात जिक्र होता है, तो वो उसको बोलते हैं रैपिड इंक्रीज नंबर, ग्रोथ, मल्टीप्लीकेशन, या अपोजिट हुआ तो डिक्लाइन, डिक्रीज, रिडक्शन। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट वर्ड विच हैज बीन यूज्ड इन द आर्टिकल। हम इस आर्टिकल को समझे तो क्या बोला गया, सेटिंग अप द 16th फाइनेंस कमीशन, जो गवर्नमेंट द्वारा भी कहा गया था कि उसको हम लोग कुछ समय में लेकर के आने वाले हैं, तो इट इज गोइंग टू बी देयर, और अमिड द सिग्निफिकेंट चेंजेस इंक्लूडिंग द COVID-19 पेंडेमिक, सब्सिक्वेंट चेंजेस, तो पेंडेमिक के बाद में जो हालात बने हैं, उसके बाद में जो अभी ग्लोबल सिचुएशन हो रही है, तो उनकी लाइट में अभी गवर्नमेंट द्वारा इसको सेटअप किया जाना है। द कंबाइंड गवर्नमेंट डेट रोज टू 90%, डेट टू GDP रेशियो जो होता है, डेट टू GDP मतलब हमारी GDP का कितना प्रतिशत हम लोग डेट की तरह लेकर बैठे हैं, तो डेट टू GDP रेशियो ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है रोज टू 90% एट द एंड ऑफ 2020-21, है ना। इन तालुकात में जो हमारा GDP जो डेट रेशियो, डेट टू GDP रेशियो है, वह 2021 के तालुक में करीब करीब 90% तक पहुंच गया। अब 90% का मतलब होता है कि वी दिस डेट रेशियो इज ऑन अ वेरी हायर साइड, क्योंकि रिकमेंडेशन तो जो होती है वो तो करीब करीब 40% के आसपास होती है, तो 40% तक ठीक है, बट देन 40% से कितना बढ़ गया, इट इज 90% ऑन अ वेरी हायर साइड, हाईलाइटिंग द लार्जर फिस्कल इम्बेलेंसेस इन मेनी स्टेट्स। इम्बेलेंसेस का मतलब हुआ कि पैसा है नहीं, खर्च करना है ना, तो उनकी आय से ज्यादा व्यय किया जा रहा है, तो द कंडीशन इज डिटेरियोरेटिंग इन मेनी स्टेट्स, और वो पोस्ट कोविड जो है वो उसका बड़ा असर पड़ा हुआ है। अब इसमें स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस की बात करें तो 14 कमीशन जो था इंक्रीज द शेयर ऑफ स्टेट्स इन डिविजनल पूल ऑफ 42 टू 42 फ्रॉम 32, जिसको रिवाइज कर दिया गया था 41 में इन दिस लास्ट फाइनेंस कमीशन में, राइट।
However, in view of the center's last fiscal imbalances, there may not be cause for the further increase. But अगर हम लोग ओवरऑल इसकी हालत देखें, सेंट्रल की तो फिस्कल कंडीशन की हालत देखें, मतलब जो ओवरऑल हालत हमारी हो रही है इकोनॉमिकली हम देखें, तो उसमें इट इज नॉट गोइंग टू बी इंक्रीज फर्दर. ये 41% से ज्यादा नहीं दिया जाएगा. मतलब कि अभी स्टेट जो होते हैं, ओवरऑल हमारे टैक्स की किटी में से 41% इज गिवन टू स्टेट्स, राइट? और रिकमेंडेशन किया गया था फाइनेंस कमीशन द्वारा. बट जिस हिसाब से बोला जा रहा है ना, जो अभी जो हालात है जहां पर हमारा इंक्रीज डेट टू इक्विटी रेशियो बढ़ गया है, तो इसको आगे और नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आगे बढ़ाया जाता है तो सेंट्रल पर इससे ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा. द बर्डन विल बी ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो 41% अभी होता है, व्हेन 41% इज गिवन टू स्टेट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज नॉट गोइंग टू बी इंक्रीज फर्दर. इसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसा इसमें माना जाता है. बिकॉज अगर बढ़ाया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर लोड ज्यादा होगा, और इतने इकोनॉमिक हालात जो थोड़े गड़बड़ चल रहे हैं, जिसमें हम लोग डेट जीडीपी रेशियो की बात करते हैं, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल, वो अफोर्डेबल नहीं होगा. देयर इज आल्सो नीड टू रीएग्जामिन द रोल ऑफ नॉन शेयरेबल सेस एंड सरचार्जेस. अब देखिए क्या होता है, समझना. हाँ, जो जो टैक्स कलेक्ट होता है उसको गवर्नमेंट द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसका अभी लेवल कितना है, 41%. मतलब जितना भी टैक्स आएगा उसका 41% स्टेट्स में जाएगा और बाकी गवर्नमेंट. तो दिस ओवरऑल शेयर है करीब करीब, है क्लियर? इसमें एक जो टैक्स होता है वो होता है सरचार्ज, दूसरा होता है सेस. पहला क्या है, सरचार्ज, और दूसरा है सेस. सरचार्ज क्या होता है कि एक हायर लेवल पर जो टैक्स दे रहे हैं, मतलब जो टैक्स ब्रैकेट जिनका ज्यादा टैक्स दिया जा रहा है जिन लोगों के द्वारा, उन पर एक्स्ट्रा सरचार्ज लगाया जाता है. मतलब सरचार्ज मतलब एक्स्ट्रा टैक्स गिवन बाय द पीपल या कंपनीज हु आर इन द हाईएस्ट ब्रैकेट, जो हायर ब्रैकेट में होते हैं, उनसे टैक्स ले रहा है, एक्स्ट्रा टैक्स ले रहा है. बिकॉज यू आर अर्निंग मोर, यू आर पेइंग मोर, सो लेट्स पे मोर टैक्सेस. तो टैक्स पर टैक्स लगता है बट हायर ब्रैकेट वाले में, तो उसको सरचार्ज बोलते हैं. सेस जो होता है ना, ये किसी भी टैक्स पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है, दैट इज ऑल्सो एक्स्ट्रा टैक्स, बट ये सब पर लगेगा और ये अपने आप में एक पर्पज के लिए होता है. जैसे एजुकेशन सेस हुआ, तो एजुकेशन सेस लगेगा और उसका जो पैसा मिलेगा वो स्पेसिफिकली एजुकेशन के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसको बोलेंगे सेस. सेस इज एक्स्ट्रा टैक्स, टैक्स पर टैक्स, राइट? बट पूरे सब पर ही. और सरचार्ज ऑन सम स्पेसिफिक हायर ब्रैकेट्स, उस पर टैक्स पर टैक्स, उसको सरचार्ज बोलेंगे. अब सरचार्ज और सेस जो आता है वह गवर्नमेंट द्वारा रख लिया जाता है, मतलब इट इज केप्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके पास ही रहता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उसको स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया जाता है. अब प्रॉब्लम इसमें ही बोला जा रहा है कि ये जो सेस और सरचार्ज है ना, क्योंकि इट गोज डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इज इंक्रीज टू अ हायर लेवल, गवर्नमेंट द्वारा इसको बहुत हायर लेवल पर अभी इंक्रीज कर दिया गया है. इसको मेंटेन करके 10% तक लाया जाना चाहिए, है ना? तो ये जो री एग्जामिन द रोल ऑफ नॉन शेयरेबल सेस एंड सरचार्जेस, में बोला गया 16 कमीशन शुड स्क्रूटनाइज मतलब इन्वेस्टिगेशन द राइज ऑफ शेयर ऑफ सेसेस एंड सरचार्जेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना? जो जीटीआर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज उनके टोटल इकट्ठा होते हैं, उसमें सरचार्ज और जो टैक्स है इट इज इंक्रीज टू अ वेरी हायर लेवल, राइट? तो इट शुड बी कैप्ड एट 10% ऑफ सेंटर्स जीडीआर. इसको 10% तक रोक देना चाहिए, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ दिया हुआ है डिटेल में, व्हेन यू रेफर दी दिस आर्टिकल, सो इट इज बीन गिवन दैट इट इज ऑन अ वेरी हायर साइड. देखिए इट इज 18.5% तक पहुंच गया था, कितना, 18.5%. यहाँ में आई जस्ट एनलार्ज दिस, है ना? सो दिस इज ड्यू टू इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन द शेयर ऑफ सरचार्जेस एंड सेस एंड सरचार्जेस by central GTR during 2021-22-23 में it has increased to a very higher level. जो 12.8 था 15-16 में बढ़ करके 18.5 पहुंच गए, तो ये बहुत higher side में इसको बढ़ा दिया गया. और ये बढ़ा तो गया दिया गया, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं जाता, मतलब उसको बांटा नहीं जाता है. तो यहाँ पर रिकमेंडेशन ये दिया जा रहा है कि इट शुड बी कैप टू द 10%, मतलब उसको 10% पर कैप कर देना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, है ना? फिर आगे क्या बोला, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ डीएसटी, जीएसटी. देखिए पहले इनिशियली जीएसटी में ट्रबल्स थे, जीएसटी इनिशियली वेंट थ्रू लॉट ऑफ जिसको बनाना चाहिए उतार चढ़ाव से गुजरा है, राइट? बट नाउ जीएसटी स्टेबलाइजिंग, जो बायंसी बोली गई ना वर्ड बोला गया था, मैं आपसे कहा था, तो डिस्पाइट द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ जीएसटी इन द रिसेंट पास्ट, है ना, कलेक्शन ऑफ जीएसटी हैव गॉट गुड बायंसी, मतलब स्टेबल हो चुके हैं इन लास्ट 2 ईयर, 2 साल में जो जीएसटी कलेक्शन हो रहा है ना, मोटे तौर पर इट्स स्टेबल ऑन अ हायर साइड एंड स्टेबल.
देर इज स्टिल नीड टू रिस्ट्रक्चर जीएसटी टू मेक इट मोर इफिशियंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट अभी भी गुंजाइश है कि इसको बेहतर किया जा सके, जो कि 16 फाइनेंस कमीशन द्वारा अपेक्षा की जा रही है कि दिस शुड बी टेकन केयर ऑफ, राइट? मतलब इट इज डूइंग वेल, बट देर आर अभी गुंजाइश है कि इसको और ज्यादा तरीके से किया जा सके. फिर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द इंडिकेटर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ स्टेट्स डिटरमाइंड बाय वेरियस इंडिकेटर्स लाइक पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम, एरिया फैक्टर्स सच एज फॉरेस्ट कवर, डेमोग्राफी. तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, इन फैक्टर्स के ताल्लुक में प्रॉपरली किया जाना चाहिए. देखिए क्या होता है कि जो हमारा डिलीमिशन प्रोसेस के बाद में अगर जैसे जो दायरा बढ़ता है, तो अगर हम लोग डिलीमिशन प्रोसेस होती है उसके बाद में नंबर ऑफ सीट जो होती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की होती है, वह जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किया जाता है. वैसे ही अगर हम लोग देखें ना, तो यहाँ पर भी स्टेट जो होते हैं ना, उनका डेमोग्राफी जो होती है, उनके रिसोर्सेज जो होते हैं ना, उसके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. तो उसको सुधारा जा सकता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ स्टेट डिटरमाइंड बाय वेरियस इंडिकेटर्स, द 16 कमीशन शुड कंसिडर एडजस्टमेंट टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन टू अकाउंट द नीड्स ऑफ लो इनकम स्टेट. इसमें ऐसे स्टेट जिन जो छोटे स्टेट्स हैं जहां पर इनकम कम है, वो और लाइक अभी येट टू गेट टू दैट लेवल ऑफ बीमारू स्टेट हम पहले बोलते थे, वैसी स्थिति में अगर आते हैं तो उनको अकॉर्डिंगली मतलब उनकी परिस्थिति के मुताबिक वहां पर जो जो शेयर है ना वो दिया जाना चाहिए. मतलब दीज फैक्टर्स आर एनीवे देयर, बट देयर शुड ऑल्सो बी टेकन इन टू अकाउंट दी पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दीज स्टेट्स, है ना. कंसिडरेशन ऑफ दैट जीडीपी रेशियो विद कजर रिसर्च में कहा गया 89.8% या 90% तक दैट जीडीपी रेशियो जो है वो पहुंच गए हैं, है ना. सो सिग्निफिकेंटली अबाउट द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट FRBM norms. FRBM एक्ट था जो 2003 में लाया गया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट. इसके अंतर्गत बोला जाता है कि देयर शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक इन टू अकाउंट वेरियस फैक्टर्स, और वो एक हद से ज्यादा डेट ना ले या फिस्कल डेफिसिट आगे ना बढ़े. बट कोविड सिचुएशन ने हमें इसको करने पर मजबूर कर दिया, और ये जो हमारी जो लिमिट है जो यहाँ बोला गया ना 89.8%, ये आप आर्टिकल में देख लीजिएगा, उसमें इसको करीब करीब 40% की लिमिट के अकॉर्डिंग बोला गया, बट कितना पहुंच गया 90%. तो उसको कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए, है ना. शुड बी टेकन इन टू अकाउंट, राइट. फिर लास्ट में बोला गया प्रपोजिंग अ लोन काउंसिल. लोन काउंसिल रिकमेंडेड बाय 12 फाइनेंस कमीशन कुड ओवरसी द लोन मैग्नीट्यूड्स एंड प्रोफाइल्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, दिस कुड बी एन एरिया ऑफ फोकस फॉर 16th फाइनेंस कमीशन, है ना. सो एक लोन काउंसिल बनाई जाए जिसमें जो गवर्नमेंट जरा लोन लिए जाते हैं, मे बी इट बी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वह इस लोन काउंसिल के थ्रू बाय द रिकमेंडेशन सजेशन इट शुड टेक इन टू अकाउंट. ऐसा नहीं कि हर स्टेट फ्री हो और या उसको एटलीस्ट कुछ तो उनको सजेशन दिया जाए, काउंसलिंग की जाए कि एक अन जिसको बोलना चाहिए एक्सेप्टेबल लेवल पर व्हेन यू गो फॉर टेकिंग लोन्स एंड यू गो फॉर टेकिंग इन टू अकाउंट वेरियस वेलफेयर स्कीम जिनकी शायद आवश्यकता भी नहीं हो, बट आपको पोलिटिकल गेन के लिए उसको देते हैं, तो उसका असर पड़ता है आपकी इकोनॉमी पे. तो एक 12th फाइनेंस कमीशन में एक लोन काउंसिल की बात की गई थी, उसको इनकॉर्पोरेट करने के बारे में 16 फाइनेंस कमीशन को रिकमेंडेशन देनी चाहिए. फिर लास्ट में कहा गया इश्यूज ऑफ सब्सिडीज, फिस्कल डेफिसिट, पेंशन स्कीम नीड टू बी एड्रेस द फाइनेंस कमीशन टू इंश्योर द स्टेट मेंटेन फिस्कल डेफिसिट विद इन द लिमिट शुड कंसीडर फिस्कल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया फॉर द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब ये बड़ा मुद्दा है और ये हमको मालूम होना चाहिए कि श्रीलंका की हालात देखें तो वहां पर गवर्नमेंट द्वारा जो ये स्कीम्स लाई जाती है ना, जो जनता के जिसको बोलना चाहिए वेलफेयर के लिए जो किया जाता है, टैक्स कम कर लिए जाते हैं, स्कीम्स निकाली जाती है, वो अगर किया जाए तो बैंकरप्सी की हालत आती है, जो कि आई है कहाँ पर, श्रीलंका में. सो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट व्हेन दे गो फॉर सो मेनी वेलफेयर स्कीम्स जो सब्सिडी वो बांट रहे होते हैं, वो वेलफेयर स्कीम जो होती है इट इज गॉट सम कॉस्ट, या तो वो टैक्स से आता है या फिर लोन लिया जाता है. लोन लिया जाता है तो आपका डेट जीडीपी रेशियो बढ़ता है, अल्टीमेटली आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, स्थिति खराब होती है जिसको बाद में मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, राइट. सो गवर्नमेंट शुड टेक इनटू कंसीडरेशन ऑल दीज थिंग, दे शुड नॉट कीप डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री दिस वेलफेयर स्कीम. सो इट इज एवरीथिंग इज गॉट अ कॉस्ट. मे बी ए पॉलिटिकल गेन के लिए सही हो, बट देन आपके स्टेट गवर्नमेंट जो उनको दिखा है, सेंट्रल के भी ताल्लुक में देखें तो इट शुड टेक ऑल दीज थिंग्स इनटू इश्यूज ऑफ सब्सिडी एंड फिस्कल डेफिसिट इनटू अकाउंट. इट शुड नॉट बी ब्लाइंडली कीप डूइंग ऑल द बिजनेस एंड नॉट लुकिंग एट द अकाउंट्स, दैट शुड नॉट बी द केस इन दी इन दिस गवर्नेंस, है ना. तो दिस वॉज अबाउट चार्टिंग द पाथ ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन. होपफुली दिस क्लियर टू एवरीवन. बेटा गवर्नमेंट द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है, गवर्नमेंट अपॉइंट्स दिस, गवर्नमेंट द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है. तो अभी इन टाइम टू कम इट इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट. क्लियर, स्पष्ट है? चलिए इसके बाद देखें. सो अब यहां पर आगे के आर्टिकल में देखें तो मणिपुर वीडियो ओपन से न्यू फ्रंट फॉर नेट बैंड डिबेट. अब मणिपुर में जो कुछ समय पहले एक 4th मई का वीडियो कुछ समय पहले अभी आया था,
और इस दरमियान, पूरे ड्यूरेशन के दरमियान देखा जाए तो दिस डिन कम इनटू अकाउंट, जिसको बोलना चाहिए इन अर्लियर टाइम. तो अब जब वीडियो आया तो उसके बाद में इतनी डिबेट स्टार्ट हुई है, एंड दिस मच ऑफ क्योस वी आर लुकिंग अराउंड इन पार्लियामेंट. देखिए हर हर जगह उस वीडियो को देखते हुए लोगों में रोष है, लोगों में बहुत गुस्सा है बेसिकली, राइट. इट इज मैटर ऑफ लॉट ऑफ एम्बरेसमेंट फॉर आर नेशन. तो उस ताल्लुक में देयर इज न्यू डिबेट जो हो चुकी है, उसमें बोला गया है कि जो ये नेट पर जो बैन लगाया जाता है, जो इंटरनेट पर बैन लगाया जाता है, अब इसका दो तरीके से असर होता है. पहला तो होता है कि इसको, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो इसलिए बैन लगाता है कि अफवाह ना फैले, बट इसका दूसरा बड़ा कारण ये हो जाता है कि इस तरीके से कोई इंसिडेंट होती है तो उसको दबा लिया जाता है, वो कभी लाइमलाइट में ही नहीं आती है. अगर नेट नहीं हटाया जाता वहां पर, तो हो सकता है इंसिडेंट के बारे में पहले से मालूम हो जाए, तो हो सकता है कि जो प्रॉपर एक्शन है वो पहले से ली जाती है. तो देयर आर टू साइड्स ऑफ दिस कॉइन, है ना. तो उसमें बोला गया, वायरल वीडियो फ्रॉम मणिपुर शोइंग अ हॉरिफिक इंसिडेंट हैज ओपन द न्यू फ्रंट ऑफ डिस्कशन ऑन इंटरनेट शटडाउन्स, जो हमारे यहाँ ऑफन होते हैं, हाईलाइटिंग द रोल ऑफ इंटरनेट इन रिवीलिंग द अट्रोसिटीज. तो फर्स्ट पार्ट है कि भाई अगर ये पहले लाइमलाइट में आता तो शायद एक्शन पहले ली जाती, बट बिकॉज दिस इंटरनेट बैन वॉज देयर इन मणिपुर, तो ये इट केम इन टू लाइमलाइट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, राइट. सो इट इज रिवीलिंग द अट्रोसिटीज जो है, वो अट्रोसिटीज जो हो रही होती है ना, वो बताई नहीं जाती, उनके लोगों को मालूम ही नहीं होता है. क्यों? बिकॉज नेट का वहां पर, इंटरनेट पर बैन लगाया गया था. तो इसमें वही बोला गया, इसमें अब ये दोनों में ना, दोनों साइड हैं, तो डबल एज सॉर्ड की बात बोली गई. वेल सिविल राइट्स ग्रुप आर्ग्यू दैट शटडाउन कैन प्रिवेंट द इंफॉर्मेशन ऑन अट्रोसिटीज फ्रॉम बीइंग डिस्कवर्ड. जो इश्यूज होते हैं, जो अट्रोसिटीज वहां हो रही हैं, जो वहां पर अत्याचार हो रहे हैं, जो यातनाएं दी जा रही, प्रताड़नाएं जो हो रही हैं, उस ताल्लुक में वी डिडंट नो अबाउट इट बिकॉज नेट वॉज नॉट देयर, वो डिस्कवरी नहीं होती है. बट सिक्योरिटी फोर्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है दैट सच वीडियोस कैन फर्दर इन्फ्लेम द वोलेटाइल सिचुएशन, एडवोकेट द कंट्रोल शटडाउन. बट अगर दूसरी साइड को देखा जाए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन का आर्ग्यूमेंट को देखा जाए, तो वो बोलते हैं कि भाई अगर इसी इंसिडेंट रिवील किया जाएगा तो ये और ज्यादा हवा देगा, लोग बहुत गुस्से में आएंगे, दे आर गोइंग टू टेक एक्शन, जैसा इनफैक्ट अभी हुआ भी है, जैसे इंसिडेंट बिकॉज इट वॉज परपेट्रेटेड बाय मेटई पीपल, तो दे आर बींग, उनको मिजोरम से जाने को कहा जा रहा है. सो इट इज एनीवे गोइंग टू, अगर उसको आप देखेंगे, इसको रिवील किया जाएगा, इसको डिस्कवर किया जाएगा, तो द विक्टिम्स आर गोइंग टू गेट जस्टिस, फाइन, बट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू इंस्टिगेट द पीपल हु आर गोइंग टू टेक रिवेंज ऑन दिस पार्ट. तो ये दोनों तरीकों से, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस से सच वीडियोस कैन इन्फ्लेम द वोलेटाइल सिचुएशन, ये उसको और जरा बढ़ा सकती हैं. तो राइट्स ग्रुप आर्ग्यूमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन लाइक इंटरनेट फ्रीडम सॉल्यूशन एंड द सॉफ्टवेयर फ्रीडम सेंटर बोलते हैं, बिलीव दैट ब्लैंकेट कमीशन शटडाउन्स आर डिस्प्रोपोर्शनेट मेजर कैन हेल्प इवेट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ ह्यूमन राइट वॉयलेशन. मतलब अगर इसे ब्लैंकेट आप इंटरनेट बैन लगाते हो तो ये ह्यूमन राइट वॉयलेशन को जन्म देगा और ये अकाउंटेबिलिटी इससे कम होती है. सेकेंडरी पर्सपेक्टिव वही जो यहाँ पर देखा गया, दे नीड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ वीडियोस इज एसेंशियल एज द रिजल्ट इन रिटेलली वॉयलेंस. तो दोनों चीजें यहाँ पर बोली गई है. क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट डिलेमा इज वेदर सच ट्रांसपेरेंसी कुड फर्दर इग्नाइट द वोलेटाइल सिचुएशन. दिस इज कॉल्ड दिस कॉल फॉर अ कंट्रोल्ड एंड कैलिब्रेटेड इन्फॉर्मेशन एट द लेटेस्ट. मतलब इसमें डिबेट जो है वो की जानी चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया. बट इसमें लास्ट में एक और चीज बोली गई, इसमें ये भी बोला गया कि अगर आप, ठीक है, यू आर रिस्ट्रिक्टिंग द इंटरनेट, यू आर रिस्ट्रिक्टिंग द इन्फॉर्मेशन फ्लो थ्रू नेट, थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू ऑल दीज मीडियम्स, बट देन ट्रेडिशनल मीडिया जो हमारा होता है, जो टीवी मीडिया जो होता है, वहां से इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रही है. एंड आर दे कंट्रोल्ड, आर देयर इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट? जैसे कुछ भी मीडिया, ट्रेडिशनल टीवी, न्यूज पेपर, एनी वे बोला जाए, तो एटलीस्ट समबडी इज सेंडिंग इट, पीपल आर सेंडिंग इट, देव गॉट देयर इमोशंस. सो एनी वे इमोशंस आर एट टाइम्स अटैच विद प्रोफेशन एट टाइम्स, यू नो. तो उसमें बोला गया, डिस्पाइट इंटरनेट शटडाउन, मिस इन्फॉर्मेशन विद द स्टेट इज स्टिल बीइंग स्प्रेड वायर लोकल मीडिया, टेलीविजन, न्यूज पेपर से भी तो इन्फॉर्मेशन मिल ही रही है, तो उसको कितना आप रोक पा रहे हैं? उस पर तो बैन नहीं लगाया गया ना. तो दिस ऑल्सो एस्पेक्ट वी शुड बी टेकन इन टू अकाउंट. कनेक्टिविटी इन सोसाइटी रिस्पॉन्स argues that availability of internet connective influences societal responses, lack of it can keep a situation like Manipur. मतलब बाद में प्रेशर कुकर सिचुएशन में क्रिएट हो जाती है, अगर उसको रोका जाएगा तो कहीं पर तो जाकर के इट इज गोइंग टू कम आउट, इट इज गोइंग टू रिएक्ट. तो देयर शुड बी अ प्रॉपर डिबेट ऑन दिस एंड पाथ शुड बी लाया जाना चाहिए. इसके अलावा दीज आर द न्यूज विच यू नीड टू रीड, है ना, जो आपको पढ़नी है. यहाँ पर इसमें मिस्टर मोदी सेज दैट इंडिया बिकम द हब ऑफ चिप मैन्युफैक्चरिंग, मतलब चिप मेकिंग इंडस्ट्री जो होती है, सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री होती है, राइट, उसका इंडिया हब आगे जाकर के बन सकता है. उनके द्वारा एक दिस सेमीकॉन कॉन्क्लेव जो है वह इनॉग्रेट की जा रही थी इन अहमदाबाद. और इसमें एक रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि जो AMD होता है, AMD क्या होता है, इट्स अ एडवांस माइक्रो डिवाइसेस. जैसे आपका इंटेल जो है ना, माइक्रोन जो हमने देखा था US कंपनी, वैसे AMD इज अनदर कंपनी इन्वॉल्व इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स.
तो उनके द्वारा 400 मिलियन डॉलर जो है भारत में इन्वेस्ट किया जाएगा अगले 5 वर्षों में। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट वन जो हमारे इवन वन लाइनर्स के तल्लुक में इंपॉर्टेंट है, तो ये न्यूज आपको पढ़नी है, इसे आप देख लीजिएगा। आई एम नॉट गेटिंग इन टू डिटेल। इसके अलावा आंग सान सुकी जो वहां के लीडर है म्यांमार की, है ना, और उनकी सरकार वहां पर दो बार चुनाव जीती थी, बट क्योंकि वहां पर मिलिट्री शासन आया फेब 2021 में, तब से शी इज अंडर अरेस्ट। तो अंडर अरेस्ट के मतलब उनको जेल कर दी गई थी। अब उन्हें मिलिट्री के जो घर होते हैं उनका जो एक ऑफिसर ऑफिशियल हाउस ऑफ मिलिट्री होता है वहां पर उनको ट्रांसफर किया जाएगा, है ना। सो आउस्टेड इन 2021 मिलिट्री को हैज बीन मूव्ड फ्रॉम प्रेजेंट टू गवर्नमेंट बिल्डिंग जो होती है, तो मिलिट्री गवर्नमेंट वहां पर, तो उनकी गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है वहां पर उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। तो दिस वन थिंग वी नीड टू रिमेंबर। लास्ट में हांगकांग कोर्ट टर्न्स डाउन द गवर्नमेंट्स प्ली टू बैन अ प्रोटेस्ट सॉन्ग, है ना, एक सॉन्ग होता है प्रोटेस्ट सॉन्ग जिसको बोला जाता है, उस पर वहां पर हांगकांग में मतलब उसको बैन करने का बोला गया था, बट वहां की कोर्ट द्वारा बोला गया है कि दे कांट गो फॉर दिस। तो ये इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लीजिए ना। लास्ट में अभी नाइजर इज वन कंट्री इन इन अफ्रीका, और वहां पर अभी को हुआ है कुछ समय पहले और तख्ता पलट हुआ है, तो उससे रिलेटेड दिस वन न्यूज इज देयर। तो सम वी हैव डिस्कस्ड एंड सम हैव बीन टोल्ड टू यू, तो यू नीड टू रीड इट। इफ यू गॉट एनी डाउट यू कैन, जब भी हम मिलते हैं मंडे, वी आर गोइंग टू मीट अगेन at 10 o'clock, सुबह हम 10 बजे मंडे को मिलने वाले हैं, तो तब वी कैन टेक केयर ऑफ दोस न्यूज, ओके। एंड मंडे इज ऑल्सो गोइंग टू बी द क्विज क्विज फॉर द कंप्लीट वीक, जो आपका पूरे हफ्ते में जो डिस्कशन हमारा हुआ है ना, सो मंडे को हम लोग उस पर एक क्विज भी डिस्कस करने वाले हैं, राइट। टू डू गो थ्रू ऑल द नोट्स यू मेड, टू गो थ्रू ऑल द MIAs एंड द वीडियोज, मंडे इट इज गोइंग टू बी क्विज, एंड मोस्ट प्रॉबली मतलब 90% ऑफ अश्योरिंग इट इज गोइंग टू बी अ मेंटी क्विज एट द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑन मंडे। ऑन संडेज डिस्कशन, तो वी आर गोइंग टू मीट ऑन मंडे ट्वाइस, एट 10 o'clock फॉर मंडेज डिस्कशन, संडेज डिस्कशन एट 11 o'clock फॉर मंडेज डिस्कशन, हो ये क्लियर। सो यार आई कंक्लूड माई टूडेज डिस्कशन, इफ यू गॉट सम डाउट प्लीज लेट मी नो, और एल्स हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड, वी आर गोइंग टू मीट अगेन ऑन मंडे। ऑन 90, यस यस फॉर श्योर 90 विल टेक, तो मे बी द 2025 क्वेश्चन विल टेक, बट मेंटी पर क्विज ले लेगी मंडे को, ठीक है, जो हमारा संडे वाला एंसेस होगा उसमें। ये स्पेशली सभी को, दिस इज क्लियर टू एवरीवन, इफ यू गॉट एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच बेटे, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट वीकेंड, वी आर गोइंग टू मीट ऑन मंडे मॉर्निंग 10 o'clock फॉर डिस्कशन ऑन संडे न्यूज पेपर, ठीक है, चलिए, थैंक यू।